नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। राहुल गांधी का संसद की जगह विदेशी धरती पर लोकतंत्र की बात करना शर्मनाक, स्मृति ईरानी का कहना। चीन के हुतान में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता। उत्तराखंड में धामी सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी बजट। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर टीएमसी सांसदों ने गांधी प्रतिभा के सामने दिया धरना प्रदर्शन। दिशा में 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत, 24 घंटे बाद किया गया रेस्क्यू। अदानी पर कार्रवाई की मांग को लेकर संसद से ईडी दफ्तर तक मार्च करेंगे विपक्षी दलों के सांसद। यूपी में बीजेपी कमीशन 2024-23, 19 मार्च को हर जिले में होगा महिलाओं की सम्मान में पार्टी। मुंबई के लालबाग इलाके में प्लास्टिक बैग से महिला का शव हुआ बरामद, पुलिस ने बेटी को लिया हिरासत में। पाकिस्तान में लगातार हंगामा जारी, इमरान खान पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार, आज कर सकते हैं खुद को सरेंडर। और ऑस्कर जीतने के बाद आरआरआर एक्टर जूनियर एनटीआर हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे।